नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। वैसे तो दिल्ली और आसपास के इलाके में कई गैंग और गैंगस्टर हैं जो रोजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन वो हमेशा या तो किसी को लूटने मारने के इरादे से किसी की हत्या करते हैं या फिर अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या। लेकिन आज की इस खबर में हम आपको दिल्ली के एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की बात बताने जा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने 8 साल बाद पकड़ा, और आज से 8 साल पहले उसने अपने ही गैंग के एक बदमाश की हत्या करके उसे कुएं में फेंक दिया था। लेकिन जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली थी तो पुलिस भी सख्ते में आ गई थी कि आखिर कोई गैंगस्टर अपने ही गैंग को क्यों खत्म करना चाहेगा। आखिर दिल्ली पुलिस के इस सवाल का जवाब 8 साल बाद मिला, जो वाकई में चौंकाने वाला है। दरअसल साल 2014 में एक गैंगस्टर का पहले तो अपहरण किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस बदमाश की हत्या की गई थी उसका नाम था गैंगस्टर समुंदर दहिया, और जिसने उसे मारा था उसका नाम है गैंगस्टर संदीप उर्फ काले, जिसे क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ इलाके से बुधवार को गिरफ्तार किया। इस बदमाश ने सिर्फ रंगदारी की रकम के बंटवारे के लिए हुए झगड़े में अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। इस मामले में काले के भाई दीपक को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन काले फरार चल रहा था, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर रखा था। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। आपको बता दें कि बदमाश काले हरियाणा के सोनीपत जिले के गोपालपुर गांव का रहने वाला है। DCP रोहित मीणा के मुताबिक गैंगस्टर समुंदर दहिया की हत्या, अपहरण, लूटपाट का मुकदमा 10 जुलाई 2014 को मंगलपुरी थाने में दर्ज किया गया था। कुलदीप उर्फ काले और उसका भाई दीपक गैंगस्टर समुंदर दहिया की गैंग के ही सदस्य थे। समुंदर पर हत्या, जबरन वसूली और हत्या की कोशिश समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। साल 2014 में गिरोह की रंगदारी की जो रकम मिली थी इसके बंटवारे के लिए आपस में झगड़ा हो गया था। उसके बाद ही मुख्य आरोपी दीपक और कुलदीप उर्फ काले ने समुंदर को अगवा कर पहले उसका गला रेता, फिर ईंट से उसके चेहरे को कुचला, जिसके बाद उसके सोने की चेन, लॉकेट और कार लूटी और शव को सोनीपत के मदीना स्थित एक कुएं में फेंक दिया। लूटी गई कार को असम में बेच दिया। कोर्ट ने इस मामले में दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 15 दिसंबर 2014 को कुलदीप उर्फ काले को भगोड़ा घोषित किया था। समंदर की हत्या के बाद से ही काले लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें लगातार उस पर नजरें बनाई हुई थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अपने मुखबिर सक्रिय कर रखे थे, जो दीपक के बारे में लगातार सूचनाएं दे रहे थे। कुछ दिन पहले ही पुलिस को उसके बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, तो अपराध करने से बचिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।